1300 साल पहले की सुपर पावर अमूवी सल्तनत की सरहदें जो शुमाली अफ्रीका से लेकर बलूचिस्तान के साहिल मकरान तक फैली हुई थी। अब हम अपने दोस्तों के हमराह बंद मुराद के एक होटल में बैठे हुए हैं, जहां हम वहां से सीधा स्टे हमारा होगा मोहम्मद बिन कासिम के तारीखी कब्रिस्तान की तरफ। अब हम अपने प्यारे दोस्त बिरोही साहब और रिन साहब के साथ बैठे हुए हैं और यहाँ से हमारा पड़ाव सीधा हसन पीर की तरफ होगा। तो अभी हमारे प्यारे दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, चाय पीकर हम यहाँ से निकलेंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के इलाके हसन पीर के मज़ार के सामने, जो मैदानी इलाके और कांटेदार झाड़ियों के अंदर मुसलमानों की तारीख के निडर और बहादुर से पसालार, जिन्होंने 17 साल की उम्र में बर्र सफ़ीर पाक हिंद में फतह के वो झंडे गाड़े जो बड़े बड़े हुक्मरानों ने इनकी बहादुरी की तारीफ़ें और किस्से कहानियां सुनाया करते थे। आज इसी तारीखी कब्रिस्तान जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के सिपा सालारों की कब्रें टूट फूट का शिकार हैं, मैंने जब इस कब्रिस्तान पहुँचाऊँ तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चंद कब्रें मौजूद हैं। ये जहाँ हज़ारों कब्रों की तादाद में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, आज चंद कब्रें मौजूद हैं जो महकमा आसार कदीमा की तवज्जो चाहती है। जब मोहम्मद बिन कासिम बलूचिस्तान आमद हुई तो डिस्ट्रिक्ट लसपेला में आकर पड़ाव किया और मोहम्मद बिन कासिम के वालिद मोहतरम ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि बेटा, लसपेला का पानी मत पीना, अगर आपने ये पानी पी लिया तो राजा दाहिर का मुकाबला नहीं कर सकोगे, अगर आपने बदीन का पानी पिया तो आप राजा दाहिर को फतह करोगे। 8वीं सदी में राजा दाहिर की हुकूमतें और मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का मुर्रका सिंध की कहानी सुनाता है। बस मुझे सिर्फ इस दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ जहाँ मोहम्मद बिन कासिम का पड़ाव हुआ हो, आज उनकी सिपह सालारों की कब्रें टूट फूट का शिकार है। जो तारीख में जिसने एक रकम कायम की, आज उसका ये हाल है कि उनकी कब्रें टूट फूट का शिकार है। महकमा आसार कदीमा की तवज्जो चाहती है कि इन कब्रों को सियाहत के लिए और आने वाले लोग देखें कि मोहम्मद बिन कासिम का पड़ाव कहां कहां और किस किस इलाकों में हुआ। तो मेरी